सबसे पुराने चालू भाप इंजन वाली फेरी क्वीन ट्रेन एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी है। ये ट्रेन 11 मार्च को दिल्ली कैंट से रेवाड़ी के लिए चलाई जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। फेरी क्वीन ट्रेन का इंजन तकरीबन 162 साल पुराना है। पहली बार ईस्ट इंडिया रेलवे ने फेरी क्वीन ट्रेन को 1855 में चलाया था। 1972 में इसे हेरिटेज का दर्जा देकर नेशनल रेल म्यूजियम में रख दिया गया। रेलवे ने 1997 में दोबारा इसे अपनी सर्विस में शामिल किया। इस इंजन का नाम दुनिया के सबसे पुराने संचालित भाप के इंजन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के पर्यटक इस सबसे पुराने इंजन से सवारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। स्टीम इंजन ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। जब स्टीम इंजन आज भी हम हेरिटेज के तौर पे कुछ ट्रेनें हम चलाते हैं तो उनको जैसे ही वो चालू होता है सब लोग अपना काम छोड़ के उस ब्लैक ब्यूटी को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वर्ल्ड का सबसे पुराना वर्किंग इंजन जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसको ख्याति प्राप्त है, फेरी क्वीन है, जो 1855 में निर्मित हुआ है, वह ग्रीन लाइब्रेरी में है और आज भी हमने उसी स्वरूप में रखा गया है। आज भी वह कोयले पे चलता है और पूरी ट्रेन को हम लोग यहाँ चलाते हैं और यहाँ टूरिस्ट के लिए। 154 वर्ष पुराने इस ट्रेन से यात्रा का अब आप भी लुत्फ उठा सकते हैं। 11 फरवरी के बाद अब ये ट्रेन 11 मार्च को दिल्ली कैंट से रेवाड़ी के लिए चलाई जाएगी। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए 7 वातानुकूलित सीटें हैं। अब इस ट्रेन के टिकट की बुकिंग इंटरनेट के जरिए रेलवे वेबसाइट से भी करा सकते हैं। फेरी क्वीन ट्रेन का किराया बच्चों के लिए 3,240 रुपए और वयस्कों के लिए 6,480 रुपए रखा गया है। अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट, DD News।